शनिवार को गोरखपुर क्लब में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नागेंद्र नाथ सिंह अधिवक्ता पूर्व सदस्य विधान परिषद की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर नरेंद्र नाथ सिंह स्मृति की व्याख्यान एवं विभिन्न विभूतियों का सम्मान समारोह का आयोजन उनके पुत्र राजेश सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरणीय चुनौतियां एवं जल की प्रणाणिक ज्ञान द्वारा समग्र स्वास्थ्य विषय पर चर्चा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रमेश दीक्षित अध्यक्ष एनसीपी व्याख्यानकर्ता ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद प्रोफेसर राम गोपाल ने पर्यावरण और जल की प्रणाणिक ज्ञान पर विशेष चर्चा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित और स्वर्गीय नरेंद्र नाथ सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम गोपाल, अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश दीक्षित, आरवी सिंह, जेपी सिंह, सुरेश राय, प्रहलाद यादव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रघुनाथ चंद्र, दल सिंगार यादव मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जबकि सभा में भारी संख्या में राजनीतिक दल, समाज सेवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। डॉक्टर साहब ने काफी समय ले लिया, सबसे अच्छी किताब साइलेंट विक्टर ने लिखी थी, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ दी, लेकिन क्या वेदों के सामने वो भी नहीं। हम अपने हजारों साल के महान पर प्रौढ़ आदि का अनुपालन नहीं कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने शांति के रूप में हमें दिया। शिक्षा जो है देखने बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, इसलिए बहुत लंबा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम को तेजी से खत्म किया जाए। आप सभी के प्रति हम कृतज्ञ हैं, सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय स्वराज है। उसकी एक एक माला को, उसकी मोती को जब बनाएंगे तो एक पूरी माला तैयार हो जाएगी। चर्चा कर रहे हैं और आज मेरा परम सौभाग्य एक रक्षा वैज्ञानिक, एक डिफेंस साइंटिस्ट को नागेंद्रनाथ स्मृति व्यास ने यह अवसर दिया है कि वो अपना अनुभव आपके साथ बांटे। आज विशेषकर मेरे साथ बैठे हुए इतने अग्रज, इतने वरिष्ठ एकेडमिशियंस बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपना ये शोध पत्र पर्यावरणीय चुनौतियों और जल के पौराणिक ज्ञान द्वारा समग्र स्वास्थ्य। अभी साईं बाबा के यहाँ पर 20 नवंबर को पट्टपूर्ति में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई, 26,000 लोग वहाँ पर, और वहाँ 20 पत्र चुने गए। अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला मेरा पत्र ही लगभग किसी क्या हमें करने की आवश्यकता है। नागेंद्रनाथ सिंह मेमोरियल लेक्चर फेलिसिटेशन ऑफ ईस्टर्न रीजन। चुनौती के लिए क्या करना, ये मेरा नहीं, बुद्ध का संदेश है, बुद्ध का आदेश है, इस दिशा में क्या काम करना चाहिए। इसी पर मैं आपके अपने विचार रखना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि माननीय हमारे ब्रह्मलीन नरेंद्र जी हॉस्टल में थे, तो बगल में नीरज भी उसी कमरे में थे, मुझे राजेश भाई ने बताया। तो आज इस गणतंत्र दिवस पर आप देखिए कि ये 72वां स्वतंत्रता दिवस हम नहीं मना रहे, 15 अगस्त लेके इस पूरे वर्ष में पूरा देश नगेंद्र नाथ जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को, ये थीम है पूरे देश का, भारत सरकार ट्रिब्यूट एंड रिमेंबर द फ्रीडम फाइटर, पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है फ्रीडम फाइटर्स को, नगेंद्र नाथ जी को और उनके साथ जैसे अन्य लोगों को, और उनका स्मरण कर रहा है। राजनीति, मैंने कहा मैं वैज्ञानिक होके पॉलिटिक्स की हिंदी राजनीति नहीं, फिर आपका कहते हैं कूटनीति, पॉलिटिक्स की हिंदी अब कूटनीति हो गई है। तो मित्रों, इस संदर्भ के साथ में
इस भगवान शिव की नगरी में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन वैदिक साइंस ऑफ वाटर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। 3000 साल से यजुर्वेद के समय से क्या है जल की महिमा। आप जल में जाते हो, एक चरणा मत लेते, अभिमान भाज्य के नीचे दिया जाता है, उस जल में क्या परिवर्तन होता है, क्या दिव्यता प्रकट होती है और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से स्नान करना है, किस प्रकार के जल को पीना है, भोजन करना है और समग्र स्वास्थ्य करना है। मैं रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूँ। एक मेडिकल कॉलेज जैसा बताया, औषध विहीन चिकित्सा पद्धतियों पर कैसे इलाज किया जाए, सारी पद्धतियाँ हैं। बीमार आदमी आया हुआ, विनोबा जी बैठे हुए चरखा काट रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक एक घंटा लोग बने। अरे बाबा कुछ तो बोलो, कौन किसका इलाज सही है। बाबा क्या कहते हैं, अबव ऑल सिंपैथी, वो सिंपैथी, वो करुणा की भावना, वो मैत्री की भावना, वो जल में किस तरह से दिव्यता प्रकट की जाए और जल का जो छिड़काव किया जाता है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर जाकर जल ला के हमने उसका परीक्षण किया, उसके आधार हमारे यहाँ। तो नागेंद्रनाथ जी का जीवन देखते हुए पर्यावरण का मतलब क्या है, परिआवरण, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है यही पर्यावरण है। मेरा जन्म हुआ जहाँ रामचरितमानस लिखी गई है, बांदा जिले में तुलसीदास जी के पास। क्या कहते हैं तुलसीदास जी पर्यावरण, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, 5 बेसिक एलिमेंट, 5 महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को शुद्ध रूप में, शुद्ध अनुपात में लिया जाए। और कोई ऐसे बुद्धने लोग हों, ऐसे नागेंद्रनाथ जी हों, उसमें आत्मा का छौक लगा दें तो एक डॉक्टर राम गोपाल और पैदा हो जाए। तो ऐसे ऐसे परिशुद्धता के, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है इस ज्ञान के देश में। तो मैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत को करो और मरो की बात हम सुनते थे, और जब मैंने ये देखा आपका जीवन नागेंद्रनाथ जी का, तो देखिए ये उस समय के लोग थे। 2 बार विदेश गए, विदेश में जाकर उन्होंने भारतवर्ष के को प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर। और आज देखिए कि सोशल एकेडमिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने संक्षेप में यहाँ पर अभी तुम्हारे भाई मास्टर ऑफ सेरेमनी ने सब आपके लिए बताया। लेकिन देखिए गौशल, गोरख यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, लखनऊ, एडिटर थे हिंदी दैनिक का जो अखबार मैंने सुबह आज देखा, और चेयरमैन यूपी विधान परिषद होते हुए, इसे कहते हैं समग्र व्यक्तित्व, समग्र व्यक्तित्व का विकास। क्या है व्यक्तित्व समग्र का, ये टेबल खड़ी हुई है, कुर्सी पे आप लोग बैठे हुए हैं, सोफे की कितनी टांगे, 4 टांगे, एक टांग अगर छोटी हो हिल जाए तो क्या होगा, सोफा गिर जाएगा, आप गिर जाओगे। भगवान ने हम सभी को, ये होलिस्टिक साइंस को, हमारे व्यक्तित्व को 4 टांगे दी है। क्या है वो टांगे, एक टांग छोटी हो, कमजोर हो तो व्यक्तित्व आपका डगमगा जाएगा। क्या है वो 4 टांगे, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल, शरीर मन बुद्धि आत्मा, ये 4 टांगे। क्या आपने सुबह से 4 टांगों पर काम किया, शरीर को देखो, बच्चा नहलाया धुलाया, मैंने जो सफारी पहनी है की कलर की, बढ़िया नाश्ता किया है, या ये तो हमने बॉडी पकाई, माइंड पे क्या काम, जो मैं भूल रहा हूँ आधे से आप लोग मेरे लेक्चर की तुलना किसी टीवी सीरियल से, किसी किताब से, किसी उससे कह रहे हो। आपका मन तो अभी वर्तमान में शादी सब लोग पूर्ण रूप से जी रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब तो माइंड के क्षेत्र, इंटेलेक्ट के क्षेत्र में क्या किया। सुबह आज मैंने योगा का एक सत्र लिया है प्रेमचंद पार्क में, करीब 80-100 लोग थे, यही मैंने वहाँ पर देखा कि शिव के तीसरे नेत्र को कैसे इंट्यूशन को डेवलप किया जाए। ये यहाँ पर जो है कि ये इंट्यूटिव माइंड कैसे हो, कैसे उस विवेक विवेक को दिया जाए, ये हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। आज कोई लड़का आता है, कौन है आप साहब, मैं साहब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ, आप कौन हो, मैं डॉक्टर हूँ, अरे हमारा फौज का आदमी इंटर करे, क्या उसे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसकी चाल से लगेगा, उसके व्यवहार से लगेगा, उसके खड़े होने से लगेगा। मैं यूपीएससी में इंटरव्यू लेता हूँ तो लड़के लड़कियाँ बिल्कुल टाई वाई सुंदर कपड़े पहन के बोल, गुड मॉर्निंग सर, मालूम पड़ता कोयल बोली या कौआ बोला, एक सेंटेंस से, एक व्यवहार से हमें अपने व्यक्तित्व का परिचय अपने शरीर मन बुद्धि आत्मा से उससे होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व था हमारे नागेंद्रनाथ सिंह जी का।